हेलो दोस्तों, हाउस प्लानेट 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास हैगी 28 फिट, और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की जो कि हमारे यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक है वो हमारे पास हैगी 46 फिट। तो 28 × 46 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा, और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 16.5 फिट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 16.5 फिट है, और ये 5 फिट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर एल टाइप के अंदर हमारे पास पोर्च रहेगा, जो कि हमारा मकान का सामने से एक अच्छा लुक निकाल कर देगा। अब पोर्च की इस तरफ यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहेगा हमारे पास घर का मेन डोर 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होता है ड्रॉइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 15 फिट 9 इंच है। 10 फिट हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फिट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ड्रॉइंग रूम रहेगा, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है, और इसी ड्रॉइंग रूम से हम घर के अंदर भी एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेहमानों के बैठने के लिए सोफे लग जाएंगे। अब इस तरफ आते हैं दोस्तों मेन डोर से वापस, या आप सीधा एक बार चलते हैं यहाँ पर, देखिए ड्राइंग रूम सीधा आगे चलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट 9 इंच बाई 15 फिट 9 इंच। काफ़ी अच्छा डाइनिंग और लिविंग एरिया का स्पेस रहने वाला है, 12 फिट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फिट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया किस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 10 फिट है, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने वाले पोर्च की तरफ निकल रही है और एक 4 फिट की विंडो इस टाइप वाले पोर्च के अंदर निकल रही है, ठीक है, इस साइड वाले सॉरी। किचन से बाहर आते यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास रहेगा स्टेयर, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फिट बाई 3 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस यहाँ से आप होगा और यहाँ पर डाउन होगा तो लगभग हमारा 7 फिट हाइट से ऊपर चला जाएगा। तो इसके नीचे से हमने एक और 3.5 फिट का दरवाजा दे रखा है, मतलब कि आप मेन डोर से यहाँ पर अगर एंटर करते हो तो ड्रॉइंग रूम के अंदर एंटर करते हो, और अगर आप इस दरवाजे सीधा 3.5 फिट का जो यहाँ पर दरवाजा है स्टेयर के नीचे से आप अगर एंटर करते हो तो आप डायरेक्ट डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर एंटर हो जाओगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाई 10 फिट, जिसकी 3 फिट की विंडो हमारी यहाँ पर निकल रही है। पूजा रूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12.5 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फिट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाई 8 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12.5 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 28 फिट तो हमारे पास रहेगी मकान की चौड़ाई, और 44 फिट रहेगी हमारे पास मकान की लंबाई, और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमारे पास एल टाइप के अंदर ये हमारे पास रहेगा पोर्च, पोर्च के यहाँ पर हमारे पास घर का मेन डोर, ये रहेगा हमारे पास ड्रॉइंग रूम, यहाँ पर हमारे पास रहेगा किचन, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास स्टेयर, और स्टेयर के नीचे से एक घर के हमारे पास यहाँ पर एक और सेकेंड एंट्री रहेगी, और ये हमारे पास रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर रहेगा पूजा रूम, ये हमारा बेडरूम, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, और ये हमारा बेडरूम। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर ये आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।